हेलो एंड वेलकम टू एमबी वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे मशरूम अचारी टिक्का। इसके लिए मशरूम को हम धोकर अच्छे से सुखा लेंगे। इसको अब बीच में से कट कर लेना है ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। जो मशरूम बड़े हैं उनको आप दो या चार पीस में भी काट सकते हैं। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1/4 स्पून हींग डालेंगे, 1/2 स्पून मेथी दाना, 1 स्पून साबुत जीरा, 1 स्पून सौंफ डालेंगे और 1 स्पून साबुत धनिया, 1 स्पून राई और 1/2 स्पून अजवाइन डालेंगे। अब इन मसालों को हम भुनेंगे और इसमें आप 2 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। अब हम इन भुने हुए मसालों को एक जार में डालेंगे और इसमें 1 स्पून ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे। अब इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पैन में 1 सर्विंग स्पून तेल डालेंगे, तेल को गर्म करेंगे और उसमें मशरूम डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें फुल ही रखनी है क्योंकि मशरूम पानी छोड़ेंगे। ये हमें तब तक भुनना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। हमारे मशरूम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 स्पून हल्दी डालेंगे, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 स्पून नमक डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बेल पेपर डाल देंगे। ये मैंने 1 कटोरी ली है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ प्याज और टमाटर भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे।
अगर आपको बीच में कुछ ऐड करना हो तो आप इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा डालें। ये हमारा मशरूम अचारी टिक्का रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।